गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे इज़ डे टू ऑफ माई वॉक। आज भी मैं बराबर टाइम पे उठ गई हूँ। एक्चुअली कल मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं और रिशु सुबह 8 बजे ही मार्केट चले गए थे पूरा वीक का सामान लाने के लिए, जैसे कांदा बटाटा वगैरह सब एक्स्ट्रा, और थोड़ा बैंक का काम था तो वो सब करने के लिए गए थे, तो कल का मेरा वॉक मिस आउट हो गया। बट आज मैं वापस टाइम पे उठ के नीचे आ चुकी हूँ और आज बहुत अच्छा प्लेजेंट क्लाइमेट है, उतना गर्म नहीं हो रहा है। तो यस, लेट स्टार्ट द व्लॉग, लेट स्टार्ट द वॉक, और देखते रहिए पूरा व्लॉग में आज क्या क्या होने वाला है। आज पूरा व्लॉग इज़ अनप्लान्ड, आज मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया कि आज के व्लॉग में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जैसा भी दिन स्टार्ट हुआ मैंने कैमरा ले लिया, व्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो इसी तरह दिन भर जो होते जाएगा आई एल कीप शेयरिंग, आई एल मेक द व्लॉग। तो यस, लेट स्टार्ट। ये सोच के आई थी कि वॉक करने के बाद सिर्फ दूध लेना और ऊपर जाना है, लेकिन जैसे गेट से बाहर निकली तो सामने ही नारियल पानी वाला था, मतलब रोज़ बैठते हैं। तो मैंने सोचा अभी गर्मी का टाइम भी है और सानू को भी नारियल पानी बहुत पसंद है, तो सुबह उठते ही नारियल पानी पीना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने 3 नारियल पानी ले लिया, एक मेरे लिए, एक सानू के लिए और एक मम्मा के लिए लिया। और इंटरनेट इतना हेल्पफुल हो गया है, गूगल पे इतना हेल्पफुल हो गया कि मैं सिर्फ दूध के लिए कैश लेकर आई थी कि मेरे को और कुछ लेना नहीं है, तो फिर उतना ही ले जाती हूँ क्योंकि ये छोटा वाला फर्स्ट मैं लेकर आती हूँ वॉक के लिए। तो आई जस्ट डिड गूगल पे और मेरा काम हो गया, तो इट्स सो इजी एंड सो नाइस। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज ये लाइट स्काई ब्लू कलर का कुर्ती पहना है। मुझे गर्मियों में ऐसे कुर्ती पहनना बहुत पसंद है, इट्स वेरी कम्फर्टेबल। और मोस्टली जब भी मैं वॉक करने जाती हूँ या परी को शाम को साइकिल चलाने ले जाती हूँ, तो मैं मोस्टली मेरा एडिटिंग का ही काम करती थी क्योंकि बाकी कुछ टाइम पास करने से अच्छा ऐसा लगता था कि काम खत्म कर लूँ, उतना जल्दी मेरा वीडियो अपलोड होने के लिए चला जाएगा, आई यूज़ टू डू माई एडिटिंग एंड ऑल। लेकिन आज मेरे पास वॉक करते वक्त कुछ भी नहीं था, एडिटिंग का कुछ भी काम नहीं था क्योंकि कोई वीडियो शूट नहीं हुआ था। तो आई वॉज थिंकिंग मैं क्या करूँ, म्यूज़िक सुन के वॉक करूँ 45 मिनट्स या क्या करूँ। तो देन आई डिसाइडेड कि मेरा मेल्स चेक कर लेती हूँ, अगर उसमें कुछ मेल्स वगैरह आया होगा तो फिर वो देख लेती हूँ या फिर कुछ और काम करती। तो जैसे मैंने मेरा मेल ओपन किया, आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम यूट्यूब सेइंग दैट कॉन्ग्रेचुलेशन इशिता, यू हैव एनेबल योर सेल्फ अ सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर करके, ऐसा वो मेल आया था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, कह रहे वह एक और लेवल क्रॉस हो गया। मतलब ये बेसिकली क्या है, जो लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, मैंने तो अभी तक एक ही बार लाइव स्ट्रीम किया है, सेकेंड अभी तक किया नहीं है, अभी करना है, आई एम प्लानिंग फॉर इट, वेरी सून आई विल डू इट। तो उसमें ये कुछ ऑप्शन है जहाँ से आप अर्न कर सकते हो, मतलब जो आपकी ऑडियंस है वो लाइव चैट या स्टिकर्स जो है वो परचेस करके आपको भेजेंगे, तो उससे आप कुछ रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट क्योंकि मैंने कभी किसी का लाइव सेशन ज्वाइन भी नहीं किया है, तभी मुझे यूट्यूब पे थोड़े वीडियोज़ वगैरह देखना पड़ेगा कि हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स आउट। तो वो मेल में पूरा लिखा था कि आपको डिटेल्स वगैरह आपने सबमिट करना है, तो मैंने वो फॉर्म ओपन किया, उसके जितने भी स्टेप्स थे उसको कंप्लीट करके सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही मेरे यूट्यूब स्टूडियो में पूरा चार्ट आ गया कि आपका सुपर चैट सुपर लाइव एनेबल हो गया, नाउ यू कैन अर्न रेवेन्यू फ्रॉम दैट। आई डोंट नो उसमें से क्या रेवेन्यू कितना आएगा बिकॉज मैं तो ज़्यादा लाइव स्ट्रीम नहीं करती हूँ, बट आई हैव टू डिटेल में अभी नाउ गो एंड चेक क्या है। बट मुझे इतनी खुशी हो रही है कि धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप जो यूट्यूब का है थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट करते जा रही हूँ, धीरे 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 आगे बढ़ रही हूँ बाई ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोग के हेल्प और सपोर्ट से ये पॉसिबल हो रहा है कि मैं एक एक स्टेप आगे जा रही हूँ अपने यूट्यूब के जर्नी में, और आप लोग को भी मेरे साथ लेके जा रही हूँ। इससे मैं सोचा मैं आप लोग के साथ भी आज ये शेयर कर लूँ, इतना अच्छा गुड न्यूज़ कि येस आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि हाँ चलो धीरे धीरे ही सही मेरा सब कुछ हो रहा है। इस चीज़ के बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, फिर भी आज मेल में मैंने पढ़ लिया तो मुझे खुद को इतनी खुशी हो गई कि सरप्राइजिंगली मेरे को सुबह सुबह यूट्यूब का मेल आ गया यूट्यूब टीम से कि ऐसा ऐसा आपको एनेबल हो चुका है, नाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। आई एम फीलिंग रियली वेरी हैप्पी राइट नाउ, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास ना और एक गुड न्यूज़ है रिलेटेड टू यूट्यूब ओनली, बट वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती बिकॉज अभी भी उस पर काम चल रहा है। एंड आई एम रियली फीलिंग सो हैप्पी, जब ये प्रपोजल मेरे पास आया तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड इज़ दिस रियली हैपनिंग विथ मी। बट अभी तक वो इन प्रोसेस है कम्प्लीटली, अभी तक उस पर कुछ डिसीजन लिया नहीं है हम लोग ने, तो वो आई थिंक एक वीक का टाइम और उसे लगेगा। उसके बाद जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, एक एक करके थिंग्स आर कमिंग टू माई वेज एंड सब पॉसिबल हो रहा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है। बट हाँ ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आप लोग को बाहर का कुछ व्लॉग शूट नहीं करके दिखा रही, जैसे ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है,
घर के ही व्लॉग्स दिखा रही हूँ, रेसिपी व्लॉग्स भी दिखा रही हूँ, तो थोड़े दिन बेयर कर लीजिए, जब बाहर का सिचुएशन ओके हो जाएगा, वी कैन गो आउट एंड एन्जॉय एवरीथिंग आउटसाइड, तो मैं बाहर के व्लॉग्स भी करूँगी। तब तक आप यही सब एन्जॉय कीजिए जो मैं दिखा रही हूँ। तो नाउ आई एम इन माई बैल्कनी राइट नाउ, और ये रहा मेरा रोज़, छोटा, ये एक तो छोटा सा आ गया है, ज़्यादा खिला नहीं है, बट कितना क्यूट सा दिख रहा है, और इसमें भी कितने सारे फ्लावर्स आ गए। मम्मा ने जो प्लांट लगाया था वो, उसमें भी बहुत सारा आ गया, तो आज हम लोग उसमें से कुछ निकालने वाले हैं। और लेट्स सी, अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज कुछ स्पेशल नहीं है, जो भी है मैं आप लोग को दिखा दूँगी क्या बन रहा है। आई नो आप लोग एक्साइटेड रहेंगे क्या बनने वाला है, तो मैं आप लोग को भी दिखाऊँगी व्हाट आई एम मेकिंग टुडे। सो चलिए चलते किचन में, जो मेरा डेली रूटीन है, सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाता है, तो लेट्स गो। परू को मैंने अभी जस्ट दूध चौकोस दे दिया ब्रेकफास्ट के लिए, और आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर और बटाटे का ग्रेवी यानी रस्सा और पापड़ी की भाजी। तो ये आज हम लोग का मेनू होने वाला है, दाल राइस चपाती तो है ही, बट रस्सा बनेगा और पापड़ी की भाजी बनेगी, तो लेट्स स्टार्ट। मेरा खाना बन रहा है और वो रही परी, नानू से हाय हाय, उसका तो चल रहा है टाइम पास। और निशु गए लाइट बिल ऑफिस कुछ काम से, बिल पेमेंट करने के लिए भी और दूसरे काम से भी गए। और मम्मी बताती हूँ मैं आपको क्या कर रही है, मम्मी को व्लॉग में ना दिखाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे जन मम्मी को भी देखना पसंद करते दैट व्हाट शी इज़ डूइंग एंड व्हाट नॉट, तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो ये देखिए माता जी क्या कर रही है, ये जो हम लोग ने लास्ट टाइम इसमें अचार बनाया था पूरा ख़त्म हो गया, 8-10 दिन में ही ख़त्म हो गया। तो कल मार्केट गई थी तो मम्मा ने स्पेशली मुझे कहा कि कैरी लेके आना, तो मैं 1.5 किलो कच्चा कैरी लेकर आई हूँ, उसको मम्मा ने हल्दी नमक लगाया, और ये राई का जो दाल आता है ना वो मम्मी ने घर पर बनाया, क्योंकि मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है, अवेलेबल ही नहीं है। और ये बेड़ेकर मसाला भी बचा हुआ था, तो इसके लिए अभी हम लोग वापस अचार बना रहे हैं ना मम्मा। हाँ, तो त्याचा लोणच्याचा खार उरलेला होता, तो आता फुकट कशाला घालवा म्हणून दोन कैऱ्या आणायला सांगितल्या, आणि त्याचं तर पुन्हा बनवते आणि टाकते, जरासं एक पूर्ण दाखवलेलं आहे त्याला थोडंसं, आणि मग आता ते काढून पुन्हा त्याच खारमध्ये भरून ठेवायचं। तो हम लोग रेडी हो जाएगा, थोडा थोडा हम लोग बना रहे हैं। डाळ मी घरीच तयार केली आहे, बाहेर काय आम्हाला मिळाली ना तू बोली। हाँ, वो कढ़ाई में मम्मी ने उसको थोड़ा सा हल्का रोस्ट किया और फिर उसको ग्राइंड करके उसका जो छिलका था वो हट साइड करके जो सिर्फ दाल होता है वो यूज़ किया है। तभी मम्मा यहाँ पे आराम से बैठी है बैल्कनी में, व्यू भी एंजॉय कर रही है, हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है, और उनका काम भी हो रहा है और मेरा भी किचन में काम हो रहा है ना मम्मा। हाँ, काम होते हैं। आप पे से बहुत सारे जनों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखा है कि यू आर रियली ब्लेस्ड दैट यू गॉट सच अ गुड मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, तो ये बात तो सही है कि आई एम रियली ब्लेस्ड, क्योंकि मम्मी बहुत सपोर्टिव है, बहुत सारी चीज़ों में मम्मा मुझे सपोर्ट करती है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज शूटिंग करने में ट्राईपॉड यहाँ रखो वहाँ रखो सेटअप करो, तो थोड़ा टाइम कभी कभी एक्स्ट्रा लग जाता है, फिर भी मम्मा कोऑपरेट करती है, चिल्लाती नहीं है, वी ट्राई एंड मैनेज, फिर कभी ऐसा लेट हो जाएगा तो मम्मा मुझे मदद कर देती है। सो येस, मम्मा रियली सपोर्ट्स मी अ लॉट एंड थैंक यू जितने भी जनों ने मुझे कमेंट किया है ना मम्मा, मदद करना चाहिए ना। और मम्मी को भी ये सब बहुत पसंद है, तो वो मुझे हमेशा पूछ देती कि तू कर जो तुझे करना है, मैं पीछे से तुझे बैकअप दे दूँगी, सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव देम। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट दैट इज़ इन एवरी हाउस, ऐसा कुछ अलग नया नहीं है, सब घरों में ऐसा होता ही है। तो ठीक है, उसको थोड़ा देर इग्नोर कर देने का, फिर आगे चल पड़ने का है ना मम्मा। मम्मा हमेशा ये बोलती है थोड़ा टाइम के लिए गुस्सा रखने का, फिर उसको इग्नोर कर देने का और आगे निकल जाने का, उसको पकड़ के नहीं बैठने का। तो होता है हम लोग का भी ऊपर नीचे कभी कभी, बट नॉट इन दैट लेवल के बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर वेरी सॉर्टेड वेरी सेटल्ड। तो अभी मम्मी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम करूँगी। मस्त मसालेदार भाजी रेडी हो चुकी है, एकदम कुक हो गया है, बस अभी गैस को बंद कर देती हूँ। और ये रहा हमारा रस्सा, बटाटा टमाटर कैरी
डाल के मस्त यम्मी रसा बनाया। ऐसे जो टमाटर होता है ना उसके ऐसे बड़े बड़े पीस रखे, छोटे छोटे काट के नहीं डाले, तो ये बहुत मस्त लगता है खाने में। कैरी, बटाटा, टमाटर राइस के साथ, भाकरी के साथ, चपाती के साथ बहुत यम्मी टेस्टी है। और यहाँ पे मैंगो भी कट करके रखा है। अभी सानू को पहले लंच देती हूँ। मम्मी ने मिलके फटाफट गरम गरम चपाती बना लिया है। तो इट्स 1 o'clock राइट नाउ। अभी हम लोग करेंगे लंच और अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा पॉज करती हूँ। आई विल सी यू इन द इवनिंग व्हेन आई विल गेट रेडी। यस, मुझे रेडी होना है क्योंकि शाम को मुझे प्रॉपर किचन टूर का वीडियो शूट करना है। तो या तो सुबह ही शूट हो सकता है जब किचन में कुछ भी काम नहीं होता है, या तो फिर डायरेक्ट शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही शूट होता है, कर सकती हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग कुछ भी किचन में काम नहीं करते, 6 से 8 पूरा फ्री रहता है। तो मैंने मम्मी को रिक्वेस्ट किया कि आज परू को मम्मा 5:30-6 बजे नीचे ले जाए ताकि मैं और निशु मिलके वो पूरा शूट कर सके, क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए मुझे निशु चाहिए। ट्राईपॉड और सेल्फी स्टिक से पूरा शूट नहीं होगा प्रॉपरली जैसा मैं शूट करना चाहती हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। तो मुझे निशु की हेल्प लगेगी, तो मम्मा लेके जाएगी परू को नीचे, फिर हम लोग प्रॉपरली एक शूट करेंगे कि मेरा किचन कैसा है, टूर पूरा दिखाऊंगी उसमें, इन डिटेल बताऊंगी और कैसे मैं उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो उस पर मुझे पूरा प्रॉपर वीडियो करना है। सो आई विल सी यू इन द इवनिंग। पूरी तरह से भूल गई थी कि मेरा ये वाला व्लॉग चालू है और मुझे आप लोग से फिर से मिलना था शाम को। तो मैंने क्या किया, मैं सो के उठी, सब मैंने क्लीनिंग कर लिया, चेंज कर लिया, वीडियो पूरा शूट करके हो गया। अभी जस्ट मैं जब चेंज करने के बाद जब मैंने ये कुर्ती वापस पहना, मुझे रियलाइज़ हुआ अरे मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया है। तो एनीवेज मेरा वीडियो तो शूट करके हो गया, जो आप लोग को जल्दी दिखने मिलेगा मेरा किचन का पूरा प्रॉपर टूर इन डिटेल में। मैंने वो पूरा वीडियो शूट किया कि उसमें हमने क्या क्या आइडियाज़ यूज़ किया है, कैसे मैं किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सो वो वीडियो अभी आपको इस वीडियो के बाद देखने मिलेगा। अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि डैडी का फ़ोन आया, मुझे मेडिकल जाना है डैडी के कुछ मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए। तो मैंने डैडी को बोला आप बिल्डिंग से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, मैं आ रही हूँ नीचे। मैंने मास्क ले लिया है और नीचे मम्मी डैडी परू है, निशु घर पे ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट एंड आई विल एंड दिस व्लॉग हियर ओनली। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू सेल्फ, बाय बाय।